हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। टैली प्राइम के पेरोल मैनेजमेंट के इस पांचवें वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं टैली प्राइम में प्रोफेशनल टैक्स की एंट्री करना। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस भी राज्य की कंपनी है वो उस राज्य के स्लैब रेट के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट कर लें एम्प्लॉय के सैलरी से हर एक महीने। हर एक राज्य का जो स्लैब रेट है वो अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पे गूगल से सर्च करके निकाला है कि देखो यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे होगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे कि देखो आंध्र प्रदेश का जो प्रोफेशनल टैक्स का रेट है वो क्या है भाई। तो अगर इम्प्लॉय की मंथली सैलरी 15,000 या उससे कम है तो प्रोफेशनल टैक्स उसको पे नहीं करना है, अमाउंट में नील लिखा हुआ है। अगर 15,000 एक से लेके 20,000 के बीच में है तो ये 150 रुपये पर मंथ इम्प्लॉय से डिडक्ट करना होगा, और अगर 20,000 रुपये से ऊपर है तो हर महीने 200 रुपये पेमेंट करना होगा। और इसी ढंग से असम का भी स्लैब रेट दिया हुआ है, बिहार का भी स्लैब रेट दिया हुआ है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने जो है, चूंकि मेरी कंपनी बिहार में है तो मैंने बिहार के स्लैब रेट को यहाँ पे लिख के रखा है, जो कि है कि अगर 25,000 से कम है तो इम्प्लॉय से एक भी पैसा डिडक्ट नहीं करना है। 25,000 एक से लेके 41,666 तक में 83 रुपया 33 पैसा, एंड सो ऑन। तो इस काम को हम लोग कैसे करेंगे टैली प्राइम में, आइए बिना समय गवाए सीखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ वोल्टर में खोल के कि ये कंपनी देखो बिहार में बनी हुई है, ठीक है। स्टेट यहाँ मैंने बिहार कर रखा है। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि F11 के अंदर जाना है, मतलब फीचर्स के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है और यहां से मेंटेन पेरोल के ठीक नीचे, जो कि यस है, उसके ठीक नीचे एनेबल पेरोल स्टैचुरी है, आप इसको यस कर लो। जैसे ही आप यस करोगे यहाँ पे आपसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो वो आप यहाँ पे डाल दो, अदरवाइज आप यहाँ पे कंट्रोल लेकर के यहाँ से सेलेक्ट एक्सेप्ट करके इसको निकल जाओ। अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लॉय यहाँ पे अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप बना के रखा है, मैंने एब्सेंट बनाया है, ओवर टाइम बनाया है, पेड लीव्स बनाया है और प्रेजेंट बनाया है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला काम है कि मैं एक इम्प्लॉय बना लेता हूं। अभी इम्प्लॉय को मैंने सेलेक्ट किया, क्रिएट किया, आप चाहो तो, मैं तो अल्टर से बना रहा हूं, आप चाहो तो सीधा क्रिएट से भी जाके आप यहां से भी इम्प्लॉय बना सकते हो, ठीक है। यहां पे सपोज कि एक इम्प्लॉय है राकेश कुमार, तो ये इम्प्लॉय अंडर प्राइमरी है। देखो ये 1 अप्रैल 2022 को इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये आपने डाल दिया। डिफाइन सैलरी डिटेल्स को यहाँ से मुझे डिफाइन नहीं करना, मैंने यहाँ पे नो कर रखा है। इम्प्लॉय नंबर सपोज E005 है और बाकी डिटेल्स आपको फीड कर लेना है, ओके, कंट्रोल ए। अभी ये मैंने इम्प्लॉय बना लिया। अभी देखो मैंने पे हेड्स भी बना के रखे हैं। अभी मैं यहाँ से आपको अल्टर में जाके पे हेड्स सेक्शन में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने बेसिक DA HRA ओवरटाइम बना के रखा है, लेकिन एक नया हेड मुझे बनाना होगा। मतलब यहाँ पे हेड्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ क्रिएट में पे हेड्स, और इस पे हेड्स में मैं प्रोफेशनल टैक्स को भी बना लेता हूँ, ओके। अभी प्रोफेशनल टैक्स मैंने लिखा और यहाँ पे ये प्रोफेशनल टैक्स का टाइप क्या, पे हेड टाइप क्या होगा, तो ये जो है इम्प्लॉयज का स्टैचुअरी डिडक्शन होगा। बहुत ध्यान से इसको समझना है, इंप्लॉय का के सैलरी में से ये डिडक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट, ओके। अभी चलो मैंने यहां पे जैसे ही इसको सेलेक्ट करके इंटरप्रेस किया, अब ये पे टाइप पूछ रहा है तो यहां पे प्रोफेशनल टैक्स ले लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आप जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप डाल दोगे। मैंने ऐसे ही एक रैंडम वैल्यू मैंने डाल दिया है। अभी यहां पर यह चला जाएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एफेक्ट नेक्स्ट सैलरी बिल्कुल, पे स्लिप में प्रोफेशनल टैक्स ही आना चाहिए। अब देखो जैसे ही आप प्रोफेशनल टैक्स ये ऐसे सेलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे ये ऑलवेज कंप्यूटेड वैल्यू में जो है ना, कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू होगा, मंथ पे कैलकुलेट होगा। अभी आप यहाँ पे ऑन करंट अर्निंग टोटल ही करना है, 1 अप्रैल 2022 से ये लागू हो रहा है। अब ये जो स्लैब रेट है बिहार का या जिस भी स्टेट का आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे 25,000 तक में जो वैल्यू है वो नील है, तो यहाँ पे अमाउंट अप टू 25,000, यहाँ परसेंटेज जगह पे वैल्यू सेलेक्ट करना और जीरो डाल के इंटरप्रेस कर देना है। अभी दूसरा जो स्लैब रेट है वो है 25,000 एक से 41,666 तक में 83 रुपया 33 पैसा होगा, तो 41,666, ओके, तो 41,666 तक में जो वैल्यू होगी वो 83 रुपया 33 पैसा है, ओके।
अभी 41,666 से 83,333 तक में, ये तो फीड करना होगा आपको, जो भी स्लैब रेट है उसके हिसाब से क्या होगा भाई, तो 166.67 रुपया होगा। तो यहाँ पे 166.67 रुपया आप डाल दो। और अभी देखो यहाँ पे 83,333 से ऊपर में 208.33 रुपया, देखो यहाँ पे है ना 208.33 रुपया, तो 208.33 रुपया मैंने डाल दिया। अब ये जब स्लैब रेट आपको फिड कर लेना है जिस भी स्टेट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से, और उसके बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब इस राकेश की मैं सैलरी डिफाइन करता हूं जिसके लिए मुझे जाना होगा अल्टर में। यहां देखो नीचे में यहां पे डिफाइन सैलरी ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूं, राकेश कुमार को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूं, चूंकि इसी की सैलरी डिफाइन करनी है। और ये 1/4/2022 से मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसको बेसिक जो है मान लिया जाए कि इसको जो है बेसिक 22,000 मिलता है, डीए भी है, हैज कंप्यूटेड वैल्यू मैंने फीड कर रखा है, ओवर टाइम भी है 250 रुपए पर आवर, ओके। और प्रोफेशनल टैक्स भी मैंने सेलेक्ट कर लिया जो अकॉर्डिंग टू डिफाइंड स्लैब रेट होगा। अब ऐसा करने के बाद चलो मैं यहां से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूं। चलो एक और इंप्लॉय मैं बना लेता हूं, सपोज मैंने बना लिया सतीश, इसकी सैलरी मैं थोड़ा सा हाई रखूंगा ताकि फर्क समझ में आए। इसका एम्प्लॉय कोड A00E006 है एंड अदर डिटेल्स डाल के आपको एक्सेप्ट कर लेना है। मैंने तो अदर डिटेल्स नहीं डाला है, अभी आपको इसकी डिफाइन करनी है इसकी सैलरी सतीश की। तो चलो ये भी 1/4 से ही अप्लीकेबल है, इसे भी बेसिक मिलेगा, लेकिन इसकी बेसिक जो है सैलरी वो 45,000 है, DA प्लस HRA प्लस ओवर टाइम, सपोज इसका ओवर टाइम 600 रुपीज है पर आवर, और प्रोफेशनल टैक्स जो कि स्लैब रेट के हिसाब से है। कंट्रोल ए, अब मैंने ये तो डिफाइन कर लिया, अब यहां से जाना है वाउचर्स के अंदर। बहुत ध्यान से समझेंगे, वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। पहले हम लोग इसका अटेंडेंस बना लेते हैं दोनों एम्प्लॉय का। ये अटेंडेंस महीने के लास्ट में बनेगा तो वाउचर्स में आना है। अटेंडेंस अगर सेलेक्टेड ना हो तो F10 को क्लिक करके यहाँ पे अटेंडेंस को सेलेक्ट कर लेना है, और F2 बटन से आपको ये आप 31 तारीख को F2 से आपको डेट चेंज कर लेना है, अप्रैल महीने का लास्ट डेट भी चले जाना है 30/4/2022, ओके। और या आप ऐसा करो कि ये जो आप अटेंडेंस बना रहे हो आप यहां से ऐसा कर सकते हो कि इफेक्टिव तो है अटेंडेंस, तो चलो ये राकेश का आप अटेंडेंस 1 मई से आप बना रहे हो तो आप F2 से यहां पे सेलेक्ट करो 31/5 को आप अटेंडेंस बना रहे हो, ठीक है। राकेश कुमार का, राकेश कुमार जो है वो प्रेजेंट है 28 दिन, और इसने जो है पेड लीव्स ले रखा है 2 दिन का, और साथ में इस ये अब्सेंट है 1 दिन, ओके। ये मई महीने का मैं बना रहा हूं, और यहां पे जो ओवर टाइम है वो इसने 5 घंटे का किया हुआ है, ओके। ये राकेश कुमार का आपने अटेंडेंस बना दिया, सिमिलरली मई महीने का अटेंडेंस बन रहा है ये, और सिमिलरली सतीश का भी मैं अटेंडेंस बना लेता हूं। ये जो है ये प्रेजेंट है टोटल 29 दिन, और इसने पेड लीव्स ले रखा है 2 दिन का, और ये अब्सेंट नहीं है, ठीक है। और साथ में ये इसने ओवर टाइम किया है 10 आवर्स, ठीक है। अभी ये अटेंडेंस मैंने बना लिया, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब पेरोल की एंट्री करने के लिए आपको यहां पे F10 पे अगेन क्लिक करना है, और ठीक अटेंडेंस के नीचे पेरोल वाउचर सेक्शन में पेरोल जिसका शॉर्टकट कंट्रोल F4 है उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। यहां से आपको ऑटो फिल पे क्लिक करना है। अब देखो यहां पे जैसे ही आप ऑटो फिल पे क्लिक करोगे आपके सामने टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में पेरोल ऑटो फिल है उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। यहां सैलरी सेलेक्ट करनी है। अब आप जो ये बना रहे हो ना ये 1/5 से लेकर के 31/5 का ये आप एंट्री कर रहे हो इसकी, ठीक है। अभी राकेश का पहले मैं बनाता हूं। देखो राकेश को मैंने सेलेक्ट किया, राकेश कुमार एम्प्लॉय नेम, और यहाँ कैश मैंने सेलेक्ट किया। देखो यहाँ पे ये इसका जो टोटल पेमेंट बन रहा है ना वो 39,318.93 रुपया है, इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 19,870.97 रुपये है। देखो इसका प्रोफेशनल टैक्स 83.33 रुपया कट रहा है जो कि इस स्लैब रेट के मुताबिक है, चूंकि 25,001 से 41,666 तक में 83.33 रुपया ही कटेगा, ओके। तो ये तो हो गई बात, एक स्लैब रेट को हम लोगों ने देख लिया राकेश के लिए। चलो इसे कंट्रोल ए से हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी फिर से ऑटो फिल करते हैं, और इस दफा
सेलेक्ट करते हैं सेम यहां पे सतीश, ठीक है, बाकी जो फ्रॉम और टू है वो सेम मंथ का है लेकिन सतीश के लिए, ओके, इसके इसके हम लोग बना रहे हैं, इसकी एंट्री कर रहे हैं। अब देखो इसकी चूंकि बेसिक सैलरी हाई है तो इसको ओवरऑल जो पेमेंट मिल रहा है वो 86,670.47 है, 208 रुपये इसमें इसका डिडक्शन हो रहा है प्रोफेशनल टैक्स में, चूंकि इसकी सैलरी हाई है तो ये इस वाले 25,001 से 41,666 वाले में ना फिट होके 41,667 से 83,333 वाले में फिट हो गया और इसी वजह से इसकी सैलरी जो, और ये एक्चुअली इस पे फिट हो रहा है 83,334 वाले में, तो इसकी सैलरी देखो सैलरी ज़्यादा है तो प्रोफेशनल टैक्स क्या हो रहा है 208 रुपये 33 पैसा ही कट रहा है जो कि इस स्लैब रेट में। तो आप बहुत आराम से इस तरह से टैली प्राइम में सारे इंप्लॉयज का सैलरी आप मेंटेन कर सकते हो और जिसकी भी सैलरी जिस स्लैब रेट में फिट होगी इस स्लैब रेट के हिसाब से तो वहां पे उससे उतना पैसा खुद से डिडक्ट हो जाएगा। और ये मैंने एग्जांपल में स्लैब रेट बिहार का दिया है लेकिन मैंने बताया कि आप बहुत आसानी से गूगल से निकाल सकते हो कि भाई किस स्टेट का कौन सा स्लैब रेट है और उसके हिसाब से आप बहुत आराम से डिफाइन कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा आज के इस वीडियो में कि कैसे हम लोग टैली प्राइम के अंदर प्रोफेशनल टैक्स की एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप लोग भी बहुत आराम से प्रोफेशनल टैक्स की एंट्री कर सकोगे टैली प्राइम के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो टैली से रिलेटेड मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।